फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल डीवा। दिस इज़ योर फ्रेंड शालिनी। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ हॉल वीडियो। आई एम गोना शेयर माई हॉल ऑफ प्लम। एंड रिसेंटली प्लम का 8th बर्थडे सेल चल रहा था, सो आई हैव गॉट सो मैनी स्टाफ बिकॉज आई लव प्लम एज अ ब्रांड। सो मैंने काफ़ी सारी परचेज की है प्लम से। आई एम गोना शेयर एवरी थिंग विथ यू एंड आई एम गोना ऑल्सो शेयर माई फेवरेट प्रोडक्ट। So watch the video till the end. So this is the big box and इसी box में हमें सारी चीज़ें receive हुई हैं। So I'm gonna show you each and everything. So first I'm gonna open this box. तो इस box को open करने के साथ ही हमें सबसे पहले मिलते हैं काफ़ी सारे coupon, कुछ 5 coupon हैं जो कि आप एक ही बार use कर सकते हैं, but काफ़ी अच्छे अच्छे 200%, 20%, 500 off on certain amount. तो ये काफ़ी अच्छे कूपन हैं जो मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। एंड सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, दिस इज़ काजल डुओ। और ये काफ़ी अच्छी डील पे चल रहा था। अभी इसका अगर मैं प्राइस देखूँ, MRP इसका 275 है, बट आई हैव गॉट दीज बोथ काजल अराउंड 330 रुपीज़। दोनों काजल 330 रुपये में, आई थिंक इट्स क्वाइट अ डील। सो नेक्स्ट जो हमारा परचेज है वो है, दिस इज़ बाकुचियल सीरम। मैंने 2 परचेज किए हैं। एक मैंने ये ओपन किया था और ये अभी एक पैक्ड ही है, तो इसको मैं ओपन करके ज़रूर दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो नेक्स्ट हमारी जो परचेज है वो है, दिस इज़ नाइसिनामाइड। इनका नाइसिनामाइड राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड सीरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू सुने हैं। और इसका मैंने सीरम तो यूज़ नहीं किया है, बट आई हैव यूज्ड टोनर ऑफ नाइसिनामाइड, 3% नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर, एंड दैट वाज ऑसम। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये परचेज किया। तो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है दिस बॉडी स्क्रब। दिस इज़ वेरी वेरी जेंटल बॉडी स्क्रब। दिस इज़ जेल बेस्ड बॉडी स्क्रब एंड इट इज़ ड्राइविंग मी चेरी फ्रेग्रेंस। इसके मेरे पास बॉडी लोशन एंड बॉडी शार जेल है ऑलरेडी, बॉडी वॉश है, सो दैट्स द रीज़न आई गॉट दिस। और इसका मैंने एक डिब्बा ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। सो ये वाला जो बॉडी स्क्रब है बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, ऑलमोस्ट डेली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये हार्श नहीं है। और ये इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा, यू नो, बहुत ज़्यादा ये एक्सफोलिएट नहीं करता है स्किन को। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन लाइक आई हैव। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप इसे परचेज मत करना, बिकॉज देर आर सो मैनी गुड बॉडी स्क्रब विच आर अवेलेबल फॉर योर स्किन टाइप। सो दिस इज़ स्पेशली आई रिकमेंड फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट परचेज था वो था ये प्लम हेयर मास्क। इसका मैंने एक टब ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, वो बहुत ही अच्छा था। एंड इट इज़ मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क। इट कंटेन्स ऑलिव एंड मैकाडेमिया एक्सट्रैक्ट। और ये जो है अभी मैंने ओपन भी नहीं किया है, ये बंद है, बट इसकी जो क्वांटिटी है आपको मिल जाती है 200 ml कुछ क्वांटिटी है इसकी, 250 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी। एंड आपको ये 2 साल का टाइम मिल जाता है। इनके मोस्टली प्रोडक्ट का जो एक्सपायरी है वो 2 साल का टाइम मिल जाता है आपको। तो मेरा जो टोटल अमाउंट था कार्ड का, वो वैल्यू थी 1599 से ज़्यादा। तो मुझे कुछ प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले हैं, तो फ्री वाले प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला फ्री वाला प्रोडक्ट है ये हमारा मैंडरिन एंड विटामिन सी टोनर। दिस इज़ ग्लोबूस टोनर। इट कंटेन्स 1.5% ऑफ विटामिन सी एंड इट रिटेल्स फॉर 425। इट कंटेन्स 100 ml प्रोडक्ट। एंड इसी का मुझे इसके साथ फ्री मिला था ये मैंडरिन विटामिन सी 3% मॉइस्चराइजर। दिस इज़ अ डेली मॉइस्चराइजर एंड इट कंटेन्स 3% विटामिन सी। ये एक पंप पैकेजिंग में आता है, इसकी पैकेजिंग मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। दिस इज़ द पैकेजिंग। दिस इज़ इसका मैं कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। इट इज़ वेरी लाइट वेट। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा। दिस इज़ नॉट
वेरी ऑयली एंड स्टिकी, ये बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है. बट आई विल नॉट रिकमेंड फॉर द पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, और जो जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है उनकी स्किन. तो इसीलिए ये आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए जब मानसून सीज़न चल रहा हो, तो क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको पसीना ज़्यादा आएगा. ये मैंने दोनों यूज़ करके देख लिए हैं बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे. बट एक ही चीज़ मुझे नहीं पसंद आई है जो है इसका, उसको लगाने के बाद थोड़ा मे बी माय स्किन इज़ वेरी ऑयली, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपीरियंसिंग इट. बट अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल है एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तो ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है. ड्राई है तो इसके बाद आपको मे बी आपको एक हैवी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़े, ये बहुत इनफ मॉइस्चराइजेशन नहीं देती है अगर आपकी स्किन ड्राई है. बट दिस इज़ गुड फॉर नॉर्मल एंड लाइक लेस ऑयली स्किन. और जो हमें नेक्स्ट फ्री प्रोडक्ट मिला था वो ये था, दिस इज़ आई स्वेयर बाई वॉल्यूम मस्कारा. सो आई एम गोना ओपन इट, दिस इज इन कलर ब्लैक, सो एम गोना ओपन इट. आई वॉन्टेड टू ओपन इट ऑन कैमरा सो मैंने इसे ओपन नहीं किया. अरे इसकी सील बहुत ही ज़्यादा एडहेसिव काफ़ी अच्छा है, इट इज़ वेरी हार्ड टू कम ऑफ. दिस इज द मस्कारा, मैंने इनका मस्कारा यूज़ नहीं किया बट मैंने काजल बहुत यूज़ किया है आई स्वेयर बाई का. सो काजल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. सो लेट्स सी मस्कारा कैसा है. अगर हम वॉन्ड की बात करें सो इस टाइप का आपको वॉन्ड मिल जाता है मस्कारा का. एंड आई हैव ऑलरेडी लाइक अप्लाइड मस्कारा ऑन माई आई लिड सो आई एम नॉट अप्लाइंग इट. बट मैं किसी और वीडियो में आपको ये शॉर्ट वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर एंड काजल के ऊपर भी, मैं उनको लगा करके दिखा दूँगी कैसा है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. सो दिस वॉज माई हॉल फ्रॉम प्लम 8th बर्थडे सेल. सो आई एम गोना मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.